उसका जो अपना बेटा है मृतका का, जिसका नाम ओम प्रकाश है, वो अपनी आदतों से दबी हुई थी, नहीं हट रही थी। सोई हुई अवस्था में ही ये छत पे सोया हुआ था, माँ नीचे सोई हुई थी, आके मार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। मैं कहूं कि कलयुग आ चुका है तो यह गलत नहीं होगा। अब यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुत्र ने ही रात के अंधेरे में मां को ठोक डाला और जब पुलिस ने धर दबोचा तो कहा मां से परेशान हो गया था। यही कारण है कि मां को ही 11 बजे रात में ही ठोक डाला। आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर पुत्र ने ही अपनी मां को क्यों गोली मारा? एक बड़ा सवाल। और उन सवालों के बीच में जब पटना पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो जो चीजें निकल कर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। पटना के एसएसपी मनवजीत सिंह ढिल्लो वो तमाम बातें बता रहे हैं। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। का उसी ही के घर में शव मिला था जिसके सर पे गोली लगी हुई थी और काफी जख्म भी थे सर पे। तो तुरंत पुलिस को जब सूचना हुई, पहले तो अज्ञात के ऊपर एफआईआर करवाना चाहते थे कि बाहर से कोई आदमी आया है और मेरी माँ को गोली मार के चला गया। मृतिका का नाम इंदू देवी है। लेकिन तुरंत शक हुआ जब घर वालों का, हम लोगों ने देखा कि कोई बहुत ज़्यादा शिकर नहीं है, वो नहीं है। तो तुरंत जब घर वालों से पूछताछ किया गया तो उसका जो अपना बेटा है मृतिका का, जिसका नाम ओम प्रकाश है, वो टूट गया। तो उसने बताया कि जो उसकी माँ है वो गलत क्षेत्र की औरत थी, अपने ही गांव के एक व्यक्ति के साथ वो पहले भी भाग चुकी है और उसके साथ 6 महीने रह भी चुकी थी, जिसके कारण पूरा समाज में इनकी बदनामी हो रही थी। और क्योंकि ये समझाते थे वो नहीं मानती थी, तो लगभग 3 महीना पहले से ही उसको बहुत समझाने का इसने भी प्रयास किया कि तुम्हारी वजह से बदनामी हो रही है, लेकिन वो अपनी आदतों से दबी हुई थी, नहीं हट रही थी। तो इसने अपने ही चाचा जो है पिंकू कुमार, उसे संपर्क किया, उसके पास कट्टा था, इसलिए इसने कट्टा लिया है 1 दिन पहले। और कल सोई हुई अवस्था में ही ये छत पे सोया हुआ था, माँ नीचे सोई हुई थी, आके मार दिया और उसके बाद फिर कट्टा को इसने फेंक दिया। जैसे ही टूटा साथ ही साथ गिरफ्तारी हुई है इसकी भी, और पिंकू कुमार जिससे उसको कट्टा दिया उसका अपना चाचा लगता है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको न्यायिक हिरासत में, दोनों अरेस्ट। तो आपने सुना, पुत्र ने ही उठाया मां के चरित्र पर सवाल और कहा साहेब बहुत परेशान हो चुके थे, मां का चरित्र ठीक नहीं था, मां ठीक व्यवहार नहीं करती थी, तंग आ चुका था रोज के किचकिच से, यही कारण है कि रात के अंधेरे में ही ठोक डाला, यानी कि मौत के घाट उतार डाला। और मां जिनका सम्मान और मान सम्मान के हम व्याख्या नहीं कर सकते, उसका गला घोट डाला। सवाल तो यह भी है कि आखिर पुत्र ने मां को जब गोली मारा तो हाथ क्यों नहीं थरथराए? देखिए, हमने शुरू में ही कहा था कि अगर हम ये कहें कि अब हम जिसे हम हाईटेक लाइफ कहते हैं और जिसे हम कहते हैं कि हम मॉडर्न जीवन जी रहे हैं, उसमें यह भी एक सच्चाई है कि एक ऐसा कलयुग जहां पर रिश्ते अहमियत नहीं रखते। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।